नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। स्कूल में मैडम साहिबा क्लास के अंदर चटाई बिछाकर उसमें लेटी हुई हैं, नींद के मजे ले रही हैं। नन्ही बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पंखा है, कहीं मैडम को गर्मी ना लगे, इसीलिए वो उन्हें पंखे से हवा दे रही हैं। जी हाँ, ऐसा नजारा देखने को मिला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। यहाँ प्राइमरी स्कूल का ये वीडियो वायरल हुआ तो शिक्षा विभाग में खलबली मच गई। परिजनों ने कहा कि हम बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन यहाँ तो उनसे कुछ और ही करवाया जा रहा है। मामला यूपी के शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के गृह जनपद से जुड़ा होने के कारण सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो धनीपुर के प्राइमरी स्कूल का है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्लॉक धनीपुर के गोकुलपुरा प्राथमिक विद्यालय के ऐसे ही दो वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो पुराना बताया जा रहा है, जिसमें एक शिक्षिका बच्ची को डंडे से पीटती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरा वीडियो हाल का बताया जा रहा है। इसमें मासूम छात्राओं के हाथ में किताब के बजाय शिक्षिका ने पंखा थमा दिया है। बच्चियों के हाथों में पंखा थमाकर हवा करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टीचर चटाई बिछाकर आराम से सो रही है और दो बच्चियां स्कूल ड्रेस में पंखे से उन्हें हवा कर रही हैं। वीडियो वायरल हुआ तो कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। टीचर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि टीम गठित कर वीडियो की जाँच कराई जाएगी और उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। महिला टीचर की भी पहचान की जा रही है।